So now we are in McLeodganj and here is this Baba. So like he is too young. Like is this उनको बोला जाता है कि वो like media में digital Baba के नाम से जाने जाते हैं. And now he was like कि इस age में आप like ये Baba and all like ये आपकी है कि हाँ study job and this thing like आप बहुत familiar होते जब किसी से मिलते हो. यूथ के बारे में जानते हो कि हाँ कहाँ पर क्या है कैसे नॉलेज गेन करते हैं बट स्टिल व्हाई लाइक इसके पीछे का मेरा केवल इतना मकसद है ना कि मैं चाहता हूँ एक ऐसा पढ़ा लिखा साधु इस सोसाइटी को मिले ना जिसको आज का यंग जनरेशन एक्सेप्ट करे उसके लिए एक्सेप्टेंस बने अगर सोसाइटी को यंगस्टर को अपने जनरेशन का कोई साधु कोई सन्यासी मिलेगा जो शास्त्र की बातें कल्चर की बातें स्पिरिचुअल बातें योगा जो है योगा लाइफ स्टाइल है उनकी उसकी बातें अगर वो बताएगा ना तो उसके पास वो अप्रोच होगा मुझे खुशी है कि मैंने यूनिवर्सिटी के एकेडमिक लाइफ बिफोर साधु हमने देखी सुनी समझी और पढ़ी गोरखपुर विश्वविद्यालय में और उसके बाद 7 साल गुरुकुल लाइफ में रहा फिर उसके बाद हम फिर एक यूनिवर्सिटी में जाकर इसी ड्रेस में हमने पढ़ाई लिखाई की तो आप समझ सकती हैं कि 9 साल पहले का जो लाइफ था उसमें यूनिवर्सिटी लाइफ था वो एक टाइम का जो माइंडसेट था 7 साल मैंने गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई किया उसमें बहुत कुछ चेंज आया और फिर अभी जो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनका मेंटल टेम्परामेंट जो है वो डिफरेंट है तो 7 साल पहले बात आप जो जनरेशन गैप होता है आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि व्हाट अदर्स थिंक व्हाट दिस जनरेशन थिंक लाइक ओल्ड न्यू यंगस्टर मेक अ साधु ना हम साधु बनाना नहीं चाहते लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पीढ़ी के बच्चे लोग हैं वो अपने माता पिता के प्रति एक बहुत गाढ़ा संवेदना अपने भीतर रखें सोसाइटी में एक अच्छे इंसान के तौर पर वो जीवन जिए और समाज को अपनी जिंदगी जीते हुए पैसा कमाते हुए कुछ बेहतर करके दिखाएं इस यूथ में एक्चुअली नीडेड है यहाँ पर इस यूथ में बिकॉज दे गाइस आर लाइक कि कुछ भी कर रहे हैं उनको पेरेंट्स की कोई टेंशन नहीं है किसी की कोई टेंशन नहीं है बस हम लोग को करना है इज जस्ट लाइक दैट उनकी थिंकिंग ऐसी हो गई बस हमें और कोई बिल्कुल Just doing well. Thank you so much. Namaste. Namaste.